अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हुए मैं अपने बतौर आईआरएस प्रोबेशनर अनुभवों और आकांक्षाओं को आपके समक्ष व्यक्त करने की अनुमति चाहूँगी। अपने प्रथम प्रयास में देश की सर्वोच्च परीक्षा को उत्तीर्ण कर भारतीय राजस्व सेवा में चयनित होना मेरे लिए एक गर्व और उत्साह की अनुभूति थी। जीवन की इस उपलब्धि के पीछे संघर्ष और संकल्पनाओं के एक लंबी यात्रा का समावेश है, जिसका आरंभ जीवन में कई वर्षों पूर्व 15 वर्ष की आयु में तब हुआ जब नियति ने मुझे एक कठिन चुनौती के समक्ष ला खड़ा किया। जीवन में आत्मावलोकन और आत्मविस्तार के एक स्वर्णिम अध्याय का आरंभ हुआ। माननीय महोदय, आज तकनीकी विकास से मानवीय क्षमताओं को एक नया स्वरूप मिला है। किसी भी शारीरिक अक्षमता को पार करना असिस्टिव टेक्नोलॉजी की सहायता से आज अत्यंत संभव हो चुका है। संतोषजनक विषय तो यह है कि आज भारत सरकार भी तकनीकीकरण की दिशा में बदलाव हेतु तत्पर है और अपनी कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं में उचित परिवर्तन हेतु कार्यरत है। इसकी एक झलक हमें आईआरएस डिपार्टमेंट में तेजी से होते हुए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखने को मिल रही है। नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी इस दिशा में अग्रसर है और हमें तकनीकी रूप से सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। शायद यही एक वजह थी कि जब इस सेवा में मैंने अपने स्थान को स्वीकार किया तब मन में यह आश्वासन था, यह विश्वास था कि देश की सेवा में एक अर्थपूर्ण योगदान करने में यह जीवन अवश्य सफल होगा। माननीय महोदय, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में व्यतीत किए हुए इन 3 महीनों की छोटी सी अवधि में मैंने अपने व्यक्तित्व में एक व्यापक विस्तार का अनुभव किया है। मन के संशय और पूर्वाग्रहों ने नई परिकल्पनाओं और निश्चयों को स्थान दिया है। देश के कुशलतम प्रशिक्षकों के ज्ञान और अनुभव की वर्षा जब इस अबोध मानस पर पड़ती है तो यह विश्वास उत्पन्न होता है कि एक प्रबुद्ध और सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण अवश्य होगा। इसी के साथ ही जब देश के विभिन्न कोनों से आए अपने प्रशिक्षु मित्रों के साथ अनेक गतिविधियों में प्रतिभाग लेने का मौका मिलता है तब वह इस सफर को और भी अधिक महत्वपूर्ण, सार्थक और दिलचस्प बना देता है। महोदय, आज हमारे देश के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। इनमें से अधिकतर का संपर्क या संबंध किसी न किसी आर्थिक अपराध से जुड़ा है, फिर चाहे वो काले धन की समस्या हो या टेरर फाइनेंसिंग। भारत सरकार और भारत देश इस दिशा में मजबूती से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर है, तैयार है, फिर चाहे वो FATF के तहत किए गए आर्थिक प्रणालियों में किए गए सुधार हों या फिर अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक रूप देने के लिए किए गए प्रयास। भारतीय राजस्व सेवा में अपने महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करते हुए हम इस दिशा में अपने संगठित योगदान देने हेतु तत्पर हैं और संविधान में संकल्पित सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की ओर बढ़ने हेतु हम सदा प्रयासरत रहेंगे। हमें अपने इस लक्ष्य की दिशा में बढ़ने से कोई भी चुनौती कभी डिगा नहीं सकती। और अंत में एक सफल और कुशल राजस्व अधिकारी बनने का स्वप्न रखते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाह पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां का। A strong and clear vision with an empathetic heart is the true virtue of a great administrator. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind.